बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हेल्थ एंड ब्यूटी ब्लॉग में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे और सर्दियों को वेलकम कर रही हूँ। जी हाँ जी, सर्दियाँ आ चुकी हैं और ठंड हो गई है, कोट शोट हमारे निकल चुकी हैं, जर्सियाँ हमने पहनना शुरू कर दी हैं क्योंकि मौसम में काफ़ी जो है तब्दीली आ चुकी है। ठंड हो गई है यानी कि सर्दी हो गई है, तो जहाँ पर सर्दियाँ आती हैं वहाँ खुशी भी होती है, वहाँ पर हमारे स्किन के मसले मसाइल जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली स्किन का फटना, ठीक है, और स्किन ड्राई हो जाती है, ये कॉमन सी बात है। तो इन सब के लिए आज कैसे बचा जा सकता है, आज मैं आपको सिंपल सा एक ऐसा टोनर बनाना सिखाऊंगी जिसको आप बना कर अपनी जो है स्किन को बेहतरीन बना सकेंगे, अपने स्पेशली हैंड्स को नरम सॉफ्ट और स्किन को नरम और मुलायम बना सकेंगे। ये टोनर आपने बनाना है और जस्ट यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बाहर का व्यू विज़िट कर लेंगे, देखेंगे कि आज बाहर वेदर कैसा है। ठीक है जी, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और सुबह सुबह का मौसम वैसे भी बहुत ठंडा हो चुका है, ठीक है, और सुबह ठंड होती है और उसके बाद हीट अप होना शुरू हो जाता है मौसम दोपहर के टाइम। अभी हम बाहर का चलते हैं, विज़िट करते हैं, उसके बाद लोकेशन की तरफ आते हैं और उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है आपने जी, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना है, हेल्थ एंड ब्यूटी ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस पर मज़े मज़े की वीडियोज़ होती हैं आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी ब्यूटी के हवाले से, जो कि बहुत ज़बरदस्त कमाल का रिजल्ट देती हैं, वो भी घर बैठे, ठीक है जी, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए आए मेरे साथ, देखते हैं बाहर आज वेदर कैसा है, खूबसूरत सा मौसम है, आपको भी दिखाती हूँ। जी हाँ, बाहर फुल सनी डे है आज, और देखते हैं आप, हमारी चिड़ियाँ अभी तक नहीं आई, आने वाली हैं, चलें जी। बस बाहर बिल्कुल सनी डे है आज, अनाबिया शहीन को भी देख सकते हैं आप। और अब हम बनाते हैं क्या जी, क्या बनाते हैं, हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा टोनर, ठीक है, जो आपके हैंड्स को, अनाबिया डोर बंद कर दो बेटा, जो आपकी जो स्किन को, आपकी इनको क्या करेगा जी, सॉफ्ट बनाएगा, ठीक है जी, और ब्यूटीफुल बनाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, मैं सबसे पहले आपसे वो शेयर कर दूँ जी। हमें यहाँ पे ग्लिसरीन चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर रोज़ वाटर चाहिए और एरोवेरा और लेमन, इन चार चीज़ों से आपका टोनर बनेगा और बड़ा ही कमाल का टोनर बनेगा। पहले हमारे पास यहाँ पर लेमन है, लेमन में आपको पता है कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है जी, विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें हमने लेमन यूज़ कर लेने हैं। तो हमें अर्क चाहिए, बीज हम बाद में इसके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है, तो हम हैंड्स की मदद से बीजों को निकाल बाहर फेंकेंगे, बीज हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें इसका सिर्फ अर्क चाहिए, ठीक है, लेमन का अर्क चाहिए। जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है आप वहाँ बना लें, मैं यहाँ पर दो लेमन से बना रही हूँ, आप चार लेमन भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपकी जो टोनर की मिकदार है वो ज़्यादा होगी उसके हिसाब से जो है वो आपने इसको बनाना है, ठीक है, इसकी मिकदार रखनी है, ठीक है, इसको स्क्विज कर लें, ठीक है। लेमन आपकी स्किन का बेहतरीन केयर प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ठीक है जी, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हर एक चीज़ का एक से बढ़कर बेनिफिट्स है। यहाँ पे बिल्कुल हमने हरे हरे लेमन का जो है वो मज़ेदार सा अर्क हमने ले लिया था, इसका रस हमने सही निचोड़ लेना है,
और अच्छे तरीके के साथ हमने ये ले लेना है। आप चाहें तो दो भी डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपना टोनर की मकदार पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ तो इसलिए मुझे दो लेमन चाहिए बस। मैंने स्क्विज करके डाल लिया था, ठीक है, ये हमारे पास निकल आया। अगर इसमें से कोई एक्स्ट्रा बीज वगैरह है तो वो भी हम इसको अच्छे तरीके के साथ साफ कर लेंगे। पलक जो है वो अंदर ही रहने देंगे, तो ही हमारा टोनर तैयार होगा जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा। हमने यहाँ पर सफाई कर ली है अच्छे तरीके के साथ, कोई भी इसमें जो है अब एक्स्ट्रा जो है वो बीज की मिकदार नहीं है। सारे बीज हमने रिमूव करके हमें इतना सा अर्क जो है वो मिल चुका है। सेकेंड में आपने क्या करना है, आपने ग्लैसरीन डालनी है। ठीक है, जितना आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्लैसरीन भी डालेंगे। मैंने यहाँ पर दो लेमन लिए थे तो मुझे दो ही टीस्पून के करीब ग्लैसरीन चाहिए। ठीक है, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून और ये टू टीस्पून। ठीक है, दो टीस्पून के करीब ही मैंने ग्लिसरीन यहाँ पर डाली और रोज़ वाटर थोड़ा सा हमने उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा डालना है। मतलब दो लेमन थे, दो ग्लिसरीन की 1 टीस्पून थी और हमने लेमन 4 चम्मचों के बराबर हमने डाला। ठीक है, यानी कि इसका ग्लिसरीन से और लेमन से इसकी मकदार, इसके रस की मकदार हमने ज़्यादा रोज़ वाटर डालना है ताकि हमारा टोनर जो है वो अच्छी तरीके से बन जाए। तकरीबन में 4 चम्मच भर कर डाले हमें, तब ग्लिसरीन से और लेमन से मकदार ज़्यादा। तो लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, अच्छा रोज़ वाटर भी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा लेमन हमने डाले वो भी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है और हमने ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया। ग्लिसरीन से क्या होता है जी, आपकी जिल्द की जिल्द में आपकी नमी रहती है, आपकी जिल्द मॉइस्चराइज रहती है। ठीक है जी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये था। ठीक है, और अब हमारे पास एरोवेरा जेल है तो आप चाहें तो घर की भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बाज़ार की भी यूज़ कर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी बाज़ार की, क्योंकि बाज़ार से हमारा टोनर जो है वो अच्छा बनेगा। मैंने ओपन कर लिया ये देखें, और तकरीबन मैं अपने अंदाज़े से डाल रही हूँ, आपने अपने अंदाजे से डालने हैं। 4 टीस्पून के करीब हमने इसमें जेल डालनी है। तो ये हो गई, एरोवेरा जेल भी हो गई, ठीक है, रोज़ वाटर भी हो गया, लेमन भी हमने डाल लिए। तो यहाँ पर आलमोस्ट हमारा टोनर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, और रात को सोते हुए आपने लगा लेना है कॉटन की मदद से। ठीक है, कॉटन से लगा लेंगे, किसी भी चीज़ से आप लगा लें, आप वैसे ही इसको हैंड पर भी लगा कर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बेहतरीन किस्म का, जैसे आप कहते हैं ना, होम मेड टोनर, घर का बना और बिल्कुल रियलिटी का, बिल्कुल खालस चीज़ों से बना हुआ, बिल्कुल रेडी हो गया। इसको आप फ्रिज में रख कर तकरीबन 1 महीना भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसके अच्छे रिज़ल्ट आपको चाहिए तो इसको पहले 15 दिन में ही आप यूज़ कर लें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसको लगाकर आपने फिर साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इसको ज़रा स्किन पर टिका रहने देना, क्योंकि एज अ टोनर ये आपकी स्किन पे वर्क करेगा। आपकी स्किन को क्या करेगा जी, इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी सुन लें। इसके फ़ायदे ये हैं, ये आपकी स्किन को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाएगा, स्किन पर ग्लो लाएगा, डल डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा और आपके पोर शीलिंग करेगा। एरोवेरा जेल से आपकी स्किन में मॉइस्चराइज होगा, नमी आएगी और सर्दियों में आपकी स्किन जो है वो ड्राई डलनेस का शिकार नहीं होगी, रफली नहीं होगी, नीट क्लीन और ग्लोइंग होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। और सर्दियों में इसको आप दिन में भी यूज़ करें, आप इसको नाइट में भी यूज़ करें, इसके डबल फ़ायदे। इसको 2 टाइम यूज़ किया जा सकता है, नाइट में और डे में। ठीक है, और ये है कि बस आपने जब भी इसको लगाना है उसके बाद आपने बस साबुन अवॉइड करना है, इनके साफ सोप का इस्तेमाल आपने ज़रा कम मकदार में ही रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मज़ेदार हल्की आंच पर हमारा जो है वो टोनर बनकर रेडी हो चुका है, जो सर्दियों में आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, सॉफ्टनेस देगा,
स्मूथनेस देगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग देगा और आपकी स्किन शाइन करेगी। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो तो मुझे पता है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये होममेड टोनर आपको आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन को सॉफ्ट ग्लोइंग बनाएगा, चमकदार बनाएगा, ब्राइट बनाएगा और स्किन की ऑल प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त अब तक मिलते रहें और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहें और हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है, हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें, हेल्थ और ब्यूटी से फ़ायदा उठाते रहें, हेल्थ के हवाले से हमारी वीडियोज़ होती हैं, ब्यूटी के हवाले से हमारी वीडियोज़ होती हैं, आपको घर में आसानी के साथ हम लोग हर चीज़ गाइड कर रहे होते हैं, हर चीज़ का रिव्यू दे रहे होते हैं, बेनिफिट्स बता रहे होते हैं। तो प्लीज़ काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।